खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर कोर्ट के आदेशों के बाद भी भूमाफिया कोल्ड स्टोर की ज़मीन पर अवैध कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोल्ड स्टोर को तोड़वाने की कोशिश की जा रही है, बुलडोजर्स चलाते हुए देखे गए हैं। दरअसल पूरा मामला हसनपुर तहसील का है, जहां पर तहसील के अधिकारी कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानते दिखाई दे रहे। जहां 6 भाइयों ने अपने खून पसीने की कमाई से कोल्ड स्टोर बनाकर चला रहे थे, लेकिन अचानक बड़े भाई के निधन हो जाने के बाद भूमाफियाओं और दबंग इस्तेखार खां इस पर कब्जा करने की कोशिश में उस कोल्ड स्टोर को तोड़वाना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उसने बताते हुए कहा कि उसने प्रशासन के यहाँ लगातार चक्कर काटे हैं, प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रात के अंधेरे में कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर चल रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक यह संपत्ति इसी तरह रहे, लेकिन भूमाफिया इख्तियार दिन दहाड़े कोल्ड स्टोर को तोड़वा रहा है, जो कोर्ट को कानून दोनों का अपमान है। बात यह है कि हम 6 भाई, 6 भाइयों को संपत्ति, इसमें से 1/6 भाग 1008 नंबर जिसमें कोल्ड स्टोर खड़ा है, 1/6 भाग की कुल भाग बेच चुके हैं। हमसे यह तय हुआ था कि मैंने अपना हिस्सा बेच दिया, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसमें इनका कोर्ट का स्टे भी है। कोर्ट का स्टे होने के बाद यह है कि जब तक आप सुन नहीं सकते किसी चीज़ को, जब तक कोर्ट का स्टे, जब तक कोर्ट तय ना कर दे, जब तक आप सुन नहीं सकते, आप तो थोड़ा थोड़ी में मचा रहे हैं, जो बेचने के चक्कर में हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक कोर्ट का स्टे ना हो, खत्म हो, स्टे रहे, जब तक कोई भी आदमी इसको छूए नहीं। कौन लोग इसको छू रहे हैं? हमारा दामाद जो है, हमारे भाई का दामाद, वो इसको इसका पूरा बेच चुका है। तो आप देख रहे हैं सब पूरा कमाई। इसकी शिकायत पुलिस वगैरह कुछ अधिकारियों ने दी? आपने अधिकारियों ने की? अभी अधिकारियों मीटिंग में बैठ कर रहे हैं, कोतवाल साहब थे, सीओ साहब थे, उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि जब तक उससे, वो भी था मौजूद सामने, दोनों को हमसे बिठा कर ये कहा कि आप छू नहीं सकते ये। अब बाकी बाद में बात नहीं होंगी, मगर दोनों सीओ से भी थे और कोतवाल भी, बोले आप इसे छुएंगे नहीं बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी तोड़फोड़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर चौके भर भर के जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है जो चौके ले जाएगा? ये इन्होंने दूसरी जगह डालना है सामान, जो डालना है ये संबल रोड पे। क्या प्रशासन की मिली भगत से तोड़ा? हाँ, प्रशासन बिना प्रशासन के कुछ लेगा कोई? जी, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, बिना प्रशासन की मर्जी को तोड़ लेगा कोई? कोई ना कोई तो शामिल होगा। अब क्या चाहते हैं न्याय में? अब तो न्याय में ही चाहते हैं कि इसको छुआ भी ना जाए जब तक कोर्ट का फैसला। कितने करोड़ रुपये की संपत्ति होगी ये, मतलब टोटल? ये संपत्ति पर विवाद चल रहा है? ये तो टोटल पे विवाद चल रहा। कितने करोड़ की संपत्ति होगी इसके लिए विवाद चल रहा? भाई, ये कम से कम 70-72 बीघे जमीन है, ये 1/6 के ये मालिक हैं, चाहे जब ले लें, चाहे जहाँ से ले लें, जमीनें तो ले सके हैं, इसे क्यों तोड़ बचा रहा है? हमने बड़ी मेहनत से बनाया है भाई इसको, हमारा खून पसीना लगा हुआ है इसमें। बस ठीक है, मामला कोई विवाद नहीं चल रहा यहाँ पर, कोर्ट का स्टे हमारे संचालन में, किसी तरह का हस्तक्षेप उत्पन्न न करें, उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। दे दीजिए, मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, बिल्कुल बताइए, क्या क्या एलिगेशन लगाना चाहते हैं? हमारे लोग बता रहे हैं कि आपने आगे हमारे एलिगेशन लगाना चाहते हैं, ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने आगे यहाँ लोगों को धमकाया है।